तुम्हारी इस नौटंकी की वजह से जंगल के जानवरों को तकलीफ हो रही है, समझ में नहीं आता तुम्हें? नौटंकी। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दुआ करता हूँ कि सब मजे में होंगे। फिर से आप सबके बीच कंत्रा 2 के फैंस के लिए कुछ खबरी लेकर आया हूँ, जो कि ऋषभ शेट्टी ने हाल ही में कंत्रा 2 को लेकर एक बड़ी अपडेट साझा किया है, जिसे सुनकर आप सभी झूम उठेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल JMLD एंटरटेनमेंट में। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता निर्देशक ऋषभ शेट्टी की हालिया में रिलीज हुई फिल्म कंत्रा ने पिछले साल बॉक्स ऑफिस पर राज किया है। भारत के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली इस फिल्म की कहानी कर्नाटक के पारंपरिक प्रथाओं के इर्द गिर्द बुनी गई है। फिल्म में मनुष्य और प्रकृति के बीच निरंतर संघर्ष को खूबसूरती से चित्रित किया गया है। यह फिल्म 2022 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म बनी थी। कंत्रा ने फिल्म के अभिनेता निर्देशक ऋषभ शेट्टी को देश में रातों रात स्टार बना दिया और प्रशंसक उनके अगले प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक रिपोर्टर के अनुसार मलयालम अभिनेता निर्देशक मोहन लाल ने ऋषभ शेट्टी को अपनी आने वाली फिल्म मलाई कोट्टई वाली वन में अभिनय करने के लिए संपर्क किया, लेकिन अभिनेता ने मोहन लाल की फिल्म का ऑफर यह ठुकरा दिया है, क्योंकि अभिनेता के अनुसार वह कन्नड़ फिल्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। ऋषभ शेट्टी ने हाल ही में खुलासा किया है कि कंत्रा 2 साल 2024 में रिलीज की जाएगी। इसके साथ ही ऋषभ शेट्टी ने बताया कि कंत्रा 2 सीक्वल नहीं होगी बल्कि प्रीक्वेल होगी, क्योंकि इस पार्ट में फिल्म की कहानी कई साल पहले से ही सेट की जाएगी। 16 करोड़ रुपए के बजट में बनी कंत्रा ने बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपए से अधिक कमाई की है। फिल्म में ऋषभ शेट्टी के अलावा साप्तमी गौरा, मानसी सुधीर, किशोर अच्युत कुमार और प्रमोद शेट्टी भी प्रमुख भूमिकाओं में थे। कंत्रा को शुरू में कन्नड़ में रिलीज किया गया था, लेकिन जब इस फिल्म को दर्शकों का प्यार मिला तो इसे हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगु में भी रिलीज किया गया था। कंत्रा को दर्शकों से लेकर आलोचकों तक की प्रशंसा मिली थी। समीक्षकों ने फिल्म के कलाकारों, इसके निर्देशन, लेखन, प्रोडक्शन डिजाइनर, सिनेमेटोग्राफी, भूत कोला, एक्शन सिक्वेंस के उचित प्रदर्शन, संपादन, साउंड ट्रैक और संगीत तक सभी की प्रशंसा की थी। तो कैसा लगा आज का हमारा ये कंत्रा 2 का अपडेट, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।